Hey guys, how are you all? Let's start thermodynamic processes. Okay, so we can see here any process may have own equation of state, but each thermodynamic process must obey PV equals to nRT. Okay, so जैसा कि हम last previous video में देखे थे कि उसमें हमारे पास दो process मिला था, एक मिला था quasi static और एक मिला था हमारे पास irreversible. Quasi static जो होता है वो हमारे पास reversible के लिए मिलता है. Okay, तो अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हैं, उनमें कौन-कौन से प्रोसेस हमारे पास क्या-क्या वेरिएंस शो करते हैं, ठीक है. तो पहला प्रोसेस आइसोबेरिक है, जैसे कि हम लास्ट टर्म देख चुके थे कितने प्रोसेस मिले थे. अब हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे यहां पर, ठीक है. तो पहला है आइसोबेरिक प्रोसेस. तो ये मस्ट है कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी फॉलो करना चाहिए किसी प्रोसेस को, ठीक है. तो आइसोबेरिक भी फॉलो करेगा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी. सो अब आगे हम चलते हैं. इफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोज फिजिकल चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर देन द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबारिक. ओके, तो आइसोबारिक प्रोसेस जो होता है उसमें जो प्रेशर होता है दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है. तो उसमें फिजिकल चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, जितने भी फिजिकल चेंजेस होंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम में सभी मतलब आइसोबेरिक प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर पर ही होगा. ओके, तो अब इसमें चार्ल्स का लॉ अप्लाई होता है विच इज वी प्रोपोर्शनल टू टी. तो वॉल्यूम जो होगा वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बढ़ेगा. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दे, ओके, तो प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, जैसे कि यहाँ फिगर में देख सकते हो, इस फिगर दिखाया गया है कि प्रेशर को कांस्टेंट कर दो और उसके बाद अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, या फिर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर भी उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा. जैसे यहाँ इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर प्रेशर है और यहाँ पर वॉल्यूम है. तो प्रेशर वॉल्यूम के बीच अगर कर्व हम बना रहे हैं तो वर्क डन हमें यहाँ पर मिल जाता है, जैसे कि हम लास्ट सेशन में देख चुके हैं कुछ कर्व के लिए. तो यहाँ पर जो स्लोप हमारे पास मिलेगा इस कर्व के लिए, यहाँ पर dP upon dV मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है ना. जो हमारे पास PV कर्व का स्लोप मिलेगा वो dP upon dV मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्योंकि जैसे y और x है हमारे पास, और एक लाइन लेट करो कि हमारे पास ऐसा कुछ है, तो इसका क्या इक्वेशन मिलता है? y equals to mx plus c. तो यहाँ पर m क्या होता है? दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन. ओके, दिस लाइन. तो यहाँ पर अगर हम इसके स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या कहते हैं? हम कहते हैं dy by dx is the slope of this line. Why? Because y is the y-axis and x is the x-axis, जिसको हम abscissa बोलते हैं, और y को coordinate बोलते हैं. तो यहां पर वही हम कर रहे हैं कि p जो होगा वो हमारे पास dp होगा और v जो होगा dv, ठीक है. तो अगर dp upon dv करें तो that will be slope of the curve, okay, this curve. और ये जीरो होगा. जीरो होगा क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी जीरो. तो आगे जो है थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमारे पास मिलता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. तो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितना मिलेगा? देखो, स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए आप सिंपल जो मेयर्स फॉर्मूला होता है, मेयर्स इक्वेशन होता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, ये इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे. ओके, तो यहां से हम लोग सीपी और सीवी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है दैट इज दैट विल बी गामा. ओके, तो जो हमारे पास गामा की वैल्यू है वो दोनों की रेशियो होती है, और गामा की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है. गामा की वैल्यू होती है 1 प्लस 2 अपॉन एफ. व्हाट इज एफ? एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू है वो हमें पता होती है कि मोनोटॉमिक गैस के लिए 3 होती है, डायटोमिक के लिए 5 होती है, एंड ट्राइटोमिक और पॉलीटोमिक के लिए हमारे पास वो 5 से ज्यादा होती है, मतलब कि 6 होती है. ठीक है, 6 क्यों होती है हमें पता है कि जो हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन होता है वो मोनोटॉमिक में 3 होता है, और जो डायटोमिक गैस होती है उसमें 3 ट्रांसलेशनल और 2 हमारे पास मिलती है क्या? रोटेशनल. जबकि ट्राइटोमिक गैस में क्या मिलता है? 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू जो होते हैं, यहां से हम गामा निकाल सकते हैं, और गामा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, सीपी अपॉन सीवी का रेशियो मिल जाएगा. अगर हम सीपी अपॉन सीवी का रेशियो पार कैलकुलेट कर पा रहे हैं गामा के थ्रू, तो ऑब्वियसली हम यहां से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू हम पता कर सकते हैं. ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर सीपी और सी जो हमारे पास सीपी फॉर मोनोटॉमिक मिलेगा दैट विल बी 5R/2. ओके, और सीपी का वैल्यू जो होगा डायटोमिक के लिए 7R/2 होगा. ऑब्वियस बात है, यहाँ पुट करके देख सकते हो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू है. ओके, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन हम कर रहे होंगे, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह सब देखेंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो जो बल्क मॉडुलस होता है, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि ये हमारे पास डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन
वी होता है माइनस में, ठीक है, माइनस क्यों होता है, क्योंकि कंप्रेस होता है अगर हम प्रेस कर रहे होते हैं तो, नेगेटिव वहां पर उसका वॉल्यूम होता है ना, तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, आपको पता ही, यहां से देख सकते हो, यहां बोला गया है कि डेल्टा पी कॉन्स्टेंट है, डेल्टा पी कॉन्स्टेंट नहीं है, पी कॉन्स्टेंट है। अगर पी कॉन्स्टेंट है तो डेल्टा पी क्या होगा, पी वन, पी टू माइनस पी वन होता है, तो यहां पर पी तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हो जाएगा पी माइनस पी, दैट विल बी जीरो, तो डेल्टा पी जो है वो जीरो होगा। ओके, तो डेल्टा पी अगर जीरो हुआ तो इसका मतलब जो हमारे पास बी है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, वो हमारे पास जीरो मिलेगा। नाउ वर्क डन, वर्क डन जो होता है हमें पता है कि वो होता है पी इंटू डेल्टा वी। पी इंटू डेल्टा वी का मतलब क्या है, डेल्टा वी जो चेंज इन वॉल्यूम है उसको हम कैलकुलेट कर लें, और जितना हमने प्रेशर लगाया है, कुछ तो प्रेशर है क्योंकि कॉन्स्टेंट प्रेशर तो हमने दिया है, तो पी इंटू डेल्टा वी जो होगा वर्क डन होगा, तो पी इंटू डेल्टा वी का वैल्यू मिलता है एन आर डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि हमारे पास यही डब्ल्यू होगा। ओके, तो नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोबेरिक प्रोसेस, तो आइसोबेरिक प्रोसेस जो होगा उसमें फर्स्ट लॉ अगर देखें तो हमें डब्ल्यू मिला है, कितना डब्ल्यू मिलता है P प्लस डेल्टा वी, और यहां पर हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि जो Q होगा, जो एनर्जी होगी, वह इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के समेशन के इक्वल होगी। तो डेल्टा U का वैल्यू हमें पता होता है कि कितना होता है, वो होता है एन सी बी डेल्टा टी, और W का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है P इंटू डेल्टा वी, बिकॉज एज वी नो हियर यू कैन सी दिस इज P इंटू डेल्टा वी एंड वी नो पी बी इक्वल टू एन आर टी। इफ यू आर चेंजिंग डेल्टा वी then obviously it will be what, it will be n r delta t. Now we can put p into delta v as n r delta t, so here we are using this. Okay, so p into delta v will be n r delta t, so we have to use this and we got here q. Okay, so now we can take common n, small n, so we will get what, cb plus r delta t. Okay, this is the formula for the q by the first law of thermodynamics. Now this is a formula n cp delta t, we can change this because as we know from Mayer's formula cp minus cb equals to r, so we can write as r plus cb as cp. Okay, so here it will be n cp delta t. You have to memorize this q equals to n cp delta t because this is very important formula for the isobaric process. Okay, and listen, you have to memorize w, q, b and slope, because these are the very important variables which you have to calculate in most probable questions. Okay, so now we will discuss about example. Okay, so example of this isobaric process will be boiling of water and freezing of water at constant pressure. So generally pucha jata hai, theek hai, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उसमें पूछा जाता है कि एग्जाम्पल बताओ आइसोबारिक प्रोसेस का एग्जाम्पल क्या है, या फिर क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ कि ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसका ये कौन सा प्रोसेस है, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर, अगर वाटर को हम लोग बॉइल कर रहे हैं या फिर फ्रीज कर रहे हैं किसी कॉन्स्टेंट प्रेशर पर, ऑब्वियस ही बात है कि ये आइसोबारिक होगा। इसके क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे हम अप्रोच करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस के क्वेश्चन को। ओके, so thank you for watching video and subscribe this channel, share and like. Okay, this platform will provide you all the videos related to your exams. Thank you.